हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बॉस ऑफ बायो एराना चैनल पे आज फिर से मैं आप लोगों के समक्ष एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आपको पता होगा कि क्लास 9 का एक चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बच्चे को बहुत ही हार्ड टॉपिक लगता है कि सर ये बहुत ही हार्ड है, आप अपने यूट्यूब चैनल पे ये जरूर बताएं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सबसे पहली बात आप लोग को ये जान लेना होगा कि जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर है ये क्लास 11th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ते होंगे वो इससे वाकिफ होंगे, वो जानते होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम सभी को यह जान लेना होगा कि ये जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसे हम सिंपली कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। कहीं भी ये टर्म लगा रहे बायो, दैट मींस बायो मींस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मींस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इस टर्म को सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर जी रोजेन। This term was given by Walter G. Rosen. उन्होंने ही ये टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी। और ये जो बायोडाइवर्सिटी आप जो देख रहे हो, ये जो आप डाइवर्सिटी देख रहे हो ये एक लैटिन वर्ड से आया है। ये जो आप डाइवर्सिटी देख रहे हो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है डाइवर्सिटास, जिसका मतलब होता है वेराइटीज। वेराइटीज का मतलब आप जानते होंगे विभिन्नता, दैट मींस विभिन्न विभिन्न प्रकार के, कहते हो ना देयर आर वेराइटीज ऑफ कुछ भी। तो वेराइटीज का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार के। तो सबसे पहली बात हमें जानना होगा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है दैट मींस देयर आर वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन आवर अर्थ। आप सभी जानते हो कि इस अर्थ पे वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। वैरायटीज कहने का मतलब अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जो कि अब मन में ये लगता है भाई कि अलग कैसे हैं, वो डिफर कैसे करते हैं, तो आपको जानना होगा कि डिफर कैसे, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक दूसरे से अलग कैसे है। तो आप देख सकते हो वो क्यों ना हमारा कलर हो, साइज हो, स्ट्रक्चर हो, बिहेवियर हो, लाइफ स्पैन हो। ये जो आप टर्म देख रहे हो कलर, साइज, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, लाइफ स्पैन, तो हमें ये जान लेना होगा तो बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो देयर आर वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर। सिंपल कि इस अर्थ पे वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक दूसरे से अलग है। कैसे भाई? तो कलर देख लो भाई, साइज देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, बिहेवियर देख लो, लाइफ स्पैन देख लो। अगर हम बात करें कलर का तो आप देखते होगे तरह तरह का एनिमल्स देखते होगे जिनका कलर अलग है। अगर साइज का बात करें तो एक बैक्टीरिया को देखो भाई, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक। वही एक ब्लू व्हेल को देखो, कितना विशाल है। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर तो देखते ही हो, वो क्यों ना इंटरनल स्ट्रक्चर हो या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, दोनों अलग। नेक्स्ट क्या है? बिहेवियर। बिहेवियर से तो आप लोग वाकिफ हो। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन आप लोग जानते हो कि जीवन से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। आप जानते हो कि जो मॉस्क्यूटो होता है वो कुछ ही दिनों के लिए जीता है, लेकिन अगर हम बात करें पाइन ट्री का तो वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स जीता है। दैट मींस इस अर्थ पे वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पैन अलग है। कुछ हजारों साल के लिए जीता है तो कुछ बस कह सकते हो कि कुछ मिनट्स के लिए जीता है, कुछ एक दो दिन के लिए जीता है। तो चलो ये था बायोडाइवर्सिटी। और आपको ये भी जान लेना होगा कि इस अर्थ पे लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन ऑफ स्पेसीज एग्जिस्ट करते हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन ऑफ एग्जिस्ट करते हैं। दैट मींस वो एक दूसरे से अलग है।
अब लोग बात करते हैं, इसी का एक टर्म है टैक्सोनॉमी, जो कि आप लोग जानते होंगे, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, जिसे टैक्सोनॉमी का फादर कहा गया है कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। टैक्सोनॉमी है क्या? तो ये साइंस का ही एक ब्रांच है जो डील करता है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, और तीसरा कह सकते हैं नोमेनक्लेचर। कोई पूछ दे भाई टैक्सोनॉमी क्या है, तो सर इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन आप लोग जान रहे हो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब आप जान रहे हो पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, ये तो बहुत ही सिंपल सा टर्म है। दूसरा है क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हमें जानना होगा। ये जो क्लासिफिकेशन है इसका मतलब यह हुआ कि क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो, तो या तो ग्रुप, उसका ग्रुप बनाओगे, ग्रुप या फिर सब ग्रुप्स। लेकिन बात असल में यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफिकेशन में, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा रहा है ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में, तो किस बेसिस पे किया जा रहा है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलरिटीज का मतलब आप लोग जानते होंगे समानता होता है, डिसिमिलरिटीज का मतलब जान लो असमानता होता है। तो सिंपली क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स या सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। हम लोग आगे ये भी, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि आखिर ये जो ग्रुप्स है किस तरह का ग्रुप बनाया जाता है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है तो। नेक्स्ट है बाबू नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी लिविंग को, कह सकते हो सिंपली नेम प्रोवाइड कर, प्रोवाइडिंग नेम टू दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे ही हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा टैक्सोनॉमी क्या है, तो सर इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। आपने ये भी जान लिया आइडेंटिफिकेशन, दैट मींस आइडेंटिफाई करना, क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करना, बांटना, क्या चीजें बांटोगे भाई? ग्रुप में बांटोगे या तो सब ग्रुप्स में बांटोगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज या फिर डिसिमिलरिटीज। और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।